आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, एयरटेल वाईफाई आपके पास है और आप भी चाहते हैं अपने वाईफाई का SSID और पासवर्ड चेंज करना, तो इस वीडियो को देखिए, आपको बताता हूँ कैसे चेंज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये मेरे घर में वाईफाई लगा हुआ है और मोबाइल से हम कनेक्ट कर लेते हैं। मेरे घर के अंदर लगभग 5-6 मोबाइल चल रहा है और कुछ बाहर के लोग भी जो है आज के पासवर्ड पता कर लिए हैं, वो भी कनेक्ट कर लेते हैं मेरे वाईफाई से और चलाना स्टार्ट कर देते हैं। अब मैं चाहता हूँ पासवर्ड चेंज करना, तो कैसे चेंज कर सकते हैं सिंपल तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, एयरटेल कंपनी का वाईफाई है लगा हुआ है ये, और मोबाइल फ़ोन के अंदर दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे हम यहाँ क्लिक किए, वाईफाई पे गए और वहाँ पे देखिए दिखा रहा है जोगेंद्र एयरटेल, ये नाम मेरे वाईफाई का हो गया। और इसी पर क्लिक करते हैं तो ये पासवर्ड मांगता है, ठीक है, पासवर्ड कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप कैसे चेंज करते हैं, मोबाइल से चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ लैपटॉप से कैसे चेंज कर सकते हैं, इसको आप बता रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, लैपटॉप आना पड़ेगा हमको। मेरा लैपटॉप भी जो है ना वाईफाई से कनेक्टेड है, तो दो ऑप्शन है इसको कनेक्ट करने के लिए। एक तो मैं इस तार के माध्यम, जो कि मेरा एक लगा हुआ है राउटर में लगा हुआ है, मतलब उसी वाईफाई के अंदर, और ये लैपटॉप में लगा सकता हूँ। लेकिन मेरे इस लैपटॉप के अंदर लैन पोर्ट नहीं दिया हुआ है, तो तार लग नहीं पाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये लैपटॉप ऑलरेडी कनेक्टेड है हमारा इस वाईफाई से, तो इसको यहाँ से चेंज करते कैसे कर सकते। देखिए, अगर नहीं कनेक्ट होता तो नहीं चेंज होता, तो ये कनेक्टेड है। यहाँ क्लिक करते हैं हमें, और देखिए यहाँ नीचे क्लिक करते हैं, उसके बाद ये दिखा रहा है जोगेंद्र एयरटेल 5G कनेक्टेड, देख रहा हूँ ना, ये कनेक्टेड है। अगर डिसकनेक्ट रहता तो मैं लॉग इन नहीं कर पाता था। पहले कनेक्ट कर लीजिएगा, और आपको पासवर्ड चेंज करना कि दूसरे लोग उसका इस्तेमाल ना कर पाए, कैसे कर सकते। देखिए, ये कनेक्टेड है, और उसके बाद जाना है गूगल क्रोम के अंदर। यहाँ क्लिक के गूगल क्रोम के अंदर, जो भी राउटर होते हैं मेनली उसका एक IP एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल IP एड्रेस होता है। इसका है बाय डिफॉल्ट ये होता है 192.168.1.1, ये नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए, नोट करने के बाद में इसको एंटर मार दीजिए। एंटर मारेंगे तो एक नया विंडो खुल के आ जाएगा, और उसके बाद हमको जा करके देखिए लिखा आ रहा है GOPN होम, ये खुल के आ गया, विंडो खुल के आ गया, मतलब ये लैपटॉप हमारे राउटर से कनेक्ट हो गया है, समझे। तो अब यहाँ पे इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ना, स्मॉल लेटर में एडमिन ADMIN, एडमिन ऊपर भी होगा और नीचे भी ADMIN, दोनों ऊपर नीचे एडमिन होगा, यूजर नेम भी एडमिन और पासवर्ड भी एडमिन। इसको लॉग इन क्लिक कर दीजिए। लॉगिन क्लिक करेंगे, उसके बाद एक नया विंडो खुल के आएगा, वेट कर लीजिए। देखिए, नया विंडो खुल के आ गया, ठीक है, नया विंडो खुल के आ गया। इसमें देखिए दिखा हुआ है सब, बहुत सारी चीज़ें इसमें दी रहती हैं, इंटरनेट स्टेटस ऑन है, वाईफाई स्टेटस ऑन है, सारी चीज़ें हमको चेंज करना है। तो हम आते हैं इसमें नेटवर्क के ऊपर, देखिए दिया हुआ नेटवर्क, ठीक है ना, ये साइड में नेटवर्क दिया हुआ है, यहाँ हम क्लिक कर लेते हैं नेटवर्क के ऊपर। नेटवर्क क्लिक करेंगे, क्लिक करना, इसमें दो दिखा रहा है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 पे वायरलेस 2.4 GHz दिख रहा है और वायरलेस 5 GHz दिख रहा है। क्या होता है, बहुत लोग कहते हैं ना कि आपका लैपटॉप 5G है, 5G कनेक्ट करे नहीं कनेक्ट करेगा, तो यही दोनों ऑप्शन है, ये इस राउटर के अंदर 4G भी है और 5G भी है। तो अभी हम क्या करते हैं, 5G का चेंज कर दिखाते हैं, क्योंकि लैपटॉप 5G कनेक्टेड है। ये देखिए, इस पर हम क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद में वेट कर लेते हैं, ये सर्च करता है, उसके बाद देखिए खुल के आ गया विंडो, नया खुल के आ गया, ठीक है। बैंडविड्थ बता रहा है इसका, जो 80 MHz का है, चैनल ऑटो, सारी चीज़ें हैं। तो हम आते हैं पासवर्ड, देखिए जो SSID है, जैसे ये नाम हम मोबाइल में कनेक्टेड है जोगेंद्र एयरटेल, अगर हम देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है SSID जोगेंद्र एयरटेल 5G लिख के आ रहा है, इसको हम चेंज कर देंगे तो अगली बार यहाँ पे क्या दिखाएगा, दूसरा को दिखाएगा। जैसे मान लीजिए लिख देता हूँ इसका, मैं अब यहाँ चेंज कर देता हूँ, अब यहाँ कर देता हूँ JOGENDR जोगेंद्र ज्ञान कर देता हूँ, जोगेंद्र ज्ञान मैंने कर दिया। और इसके नीचे आते हैं अब SSID, और यहाँ पर 100 पासवर्ड दिखा रहा है आपको, देख लीजिए आई पासवर्ड दिया हुआ है, MYANK@1235 दिखा रहा है, ठीक है। इसको हम चेंज कर देते हैं, मान लीजिए कि मैं कर देता हूँ TAVIS@543321, उल्टा कर दिया, देखिए, ठीक है, पासवर्ड चेंज कर दिया मैंने, और उसके बाद ये SSID चेंज कर दिया हमने। और इसको हम क्या करते हैं, सिंपल सेव करते हैं, यहाँ से सेव करके यहाँ से निकल जाते हैं। जैसे जोगेंद्र दिखा रहा था, एयरटेल दिखा रहा था, ये नाम देखिए मोबाइल में चेंज हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, हम इसको सेव कर दे रहे हैं, ये अभी सेव हो रहा है। सेव होने के बाद देखिए यहाँ भी डिस्कनेक्ट हो गया हमारा नेट, देखिए नेट चल रहा था ना, नेट डिस्कनेक्ट हो गया, फिर कनेक्ट हो गया। और उसके बाद हम इसको सेव करते हैं, और मोबाइल के अंदर भी क्या रहा है, जोगेंद्र ज्ञान लिख के आगे, देखिए ये ऑटोमेटिक जो है क्या चेंज हो गया, चेंज हो गया ना, पहले जोगेंद्र एयरटेल 5G लिख के आ रहा था जोगेंद्र ज्ञान, अब हमने चेंज कर दिया इसको, सिंपल यहाँ कोने से बंद कर दिए, बंद करें कोने से। अब मुझे कनेक्ट करना है जोगेंद्र ज्ञान को, तो देखिए इस पर हम क्लिक करते हैं जोगेंद्र ज्ञान के ऊपर, हमने पासवर्ड दे रखा है TAVIS@54321, देखिए मैंने दिया हुआ, इसको चेंज कर दूंगा, नोट मत करिएगा। तो यहाँ करके इस पर
कनेक्ट पे क्लिक कर देते हैं तो अब जाकर कि हमारा ये कनेक्टेड लिख के आ गया। सेम इसी